डीआरएफ जल पुलिस के अलावा तमाम टीमें हर जगह अलर्ट मोड पर हैं। बनबसा चंपावत में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री आज खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे, उन्होंने हालात का जायजा लिया, हवाई सर्वेक्षण भी किया। चंपावत में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत, नदियों में उफान से मचा हाहाकार। धनुष पुल के नीचे दिखा डराने वाला मंजर, अलर्ट मोड पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम। तो ये धनुष पुल के नीचे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जलस्तर कहां तक पहुंच चुका है नदी का। लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ, नदियों का बहाव भी काफी तेज होता जा रहा है। तो उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हर तरफ तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चमोली से बड़ी खबर, भारी बोल्डर गिरने से हाईवे बंद। ज्योतिर्मठ से एक किलोमीटर पहले हाईवे बंद, दोनों तरफ दिखी वाहनों की लंबी कतारें। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बोल्डर गिरा है। तो ज्योतिर्मठ से एक किलोमीटर पहले बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया है। दोनों वाहनों की कतारें दोनों तरफ लग गई हैं। लगातार बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग जगह पर समय समय पर मलबा आने से लगातार बंद हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते रास्ता दोनों तरफ से बंद हो गया है और यह खतरा हर जगह पर बना हुआ है। लगातार भारी बारिश के चलते पहाड़ों में रिसाव हो रहा है और रिसाव के चलते पहाड़ दरक रहे हैं। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, कई जगह रास्ते भी बंद हैं। और अल्मोड़ा में भारी बारिश बनी मुसीबत, जिले में बारिश से कई गांव में मकान क्षतिग्रस्त। जिले में 5 दिन की बारिश ने भारी नुकसान पहुंचा है, 15 से 20 आवासीय भवनों के बारिश से नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें भी बारिश की वजह से बंद बताई जा रही है। अल्मोड़ा में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, 15 से 20 आवासीय भवनों के नुकसान की भी खबर है। कई सड़कें भी बारिश के चलते बंद हो गई हैं। तो अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। जो मकान कच्चे हैं, जर्जर हैं, उन मकानों पर इस बारिश की वजह से सबसे ज्यादा खतरा रहता है। 5 दिनों की बारिश में 15 से 20 मकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। खटीमा से बड़ी खबर, खटीमा में सैलाब का तांडव, बाढ़ बारिश से हाल बेहाल। जल तांडव को लेकर अलर्ट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। बड़ी खबर, खटीमा में सैलाब का तांडव देखने को मिला, बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। जल तांडव को लेकर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ अलर्ट पर है। तो ये दो तस्वीरें खटीमा की, सड़क पर करीब घुटने तक पानी भर चुका है, लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है। दूसरी तरफ आपदा से जंग की तैयारी को लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं। लोगों के खेतों में पानी पहुंच गया है, लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। जलस्तर लगातार बढ़ने से कई इलाके अब डूब चुके हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बरसात से पानी ने हाहाकार मचाया हुआ है, जिससे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र भी अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र उधम सिंह नगर के खटीमा में भी पूरी तरह हालात चिंताजनक बने हुए, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री के घर के पास की कॉलोनी में भी जल भराव के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई स्थानों में लोगों के घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। कई लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच रहे हैं। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जहां जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं कहीं ना कहीं अगर तराई की बात की जाए तो तराई इस समय पूरी तरीके से जलमग्न है। इस समय हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 74 पर। 74 जो है ये कोई जो है हाईवे नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से एक जो है नदी में तब्दील हो गया है। और बात की जाए तो मेरे जस्ट पीछे जो है टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा बताया जाता है कि सुबह पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका था, जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है, गृह जनपद अगर देखा जाए तो सीएम साहब का गृह जनपद है। और जो है यहाँ पर तत्काल जो है
जिस तरह से जो अलर्ट जारी हुआ था, तो सीएम भी लगातार इस पे जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ और भी जो है बाइक सवार हैं, इनसे पूछेंगे क्या यहाँ दिक्कत हो रही है आपको। दिक्कत यही है कि पानी बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो वो उधर ये नहर जो है पहने नहर है, वहाँ वो पूरा वो टूट गया है। अच्छा, वो उधर को जो है पूरा दोनों नहर छोटी बड़ी दोनों नहर टूट गई है, तो पूरा पानी जो है वो पूरा इडली को सैलाब आ रहा है। तो इस सैलाब की अगर बात की जाए, तो इस सैलाब से जो है आपको घरों में भी काफी पानी जो नजर आ रहा है। बहुत से लोगों के घर में जो है पानी घुस गया है। जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय तराई में जो है पानी हाहाकार मचा हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी यशवंत के साथ न्यूज स्टेट उधम सिंह नगर से मुमताज अहमद। उधम सिंह नगर में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदियां नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। डीएम लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। वहीं एसडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, साथ ही अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले दो दिनों से तीन दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमथा, सितारगंज, ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने